देखिए बाबू, टॉपिक क्या रहा है, कंटिन्यूटी, कितना मार्क्स का है, तो देखिए 4 मार्क्स का भी दे सकता है और 0 मार्क्स का भी दे सकता है। 0 मार्क्स, ये जो लैंग्वेज है ना 0 मार्क्स वाला, ये हम लोग GST का लैंग्वेज है। GST में मतलब 0 रेटेड, बात समझे, तो 0 रेटेड मतलब उसको भी एक तो रेट दे दिया 0, मतलब आ भी सकता है और आ भी सकता है, और किसी किसी पेपर में कंटिन्यूटी नहीं भी देखोगे आप। पर ये कंटिन्यूटी है क्या, कुछ है ही नहीं इसमें। इट इज़ दैट फंक्शन ऑफ एफ, देखिए इट इज़ जैसे एक वैल्यू है, मान लीजिए एक लाइन पॉइंट है ए, इस पॉइंट का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड और ये पॉइंट का वैल्यू अगर सेम हुआ, अगर एक पॉइंट है ए, इसका LHL लेफ्ट हैंड लिमिट और इसका RHL मतलब राइट हैंड लिमिट अगर सेम होता है तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, अगर सेम नहीं होता है तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। खत्म हो गया चैप्टर, दो तीन छोटे सम्स करो कि चैप्टर खत्म। इसमें कुछ करना नहीं है, क्या करना है आपको, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों पे वैल्यू बैठा करके देखना है। अगर तीनों का वैल्यू, मतलब जैसे क्वेश्चन में फंक्शन दिया हुआ है, इसका वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू और राइट हैंड लिमिट का वैल्यू, तीनों का वैल्यू सॉल्व करके सेम आया, सपोज इसका वैल्यू आया 2 बैठा करके आया 4, लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू बैठा करके आया 4, जस्ट एग्जांपल, और राइट हैंड लिमिट बैठा करके भी आया 4, इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, क्या है। और अगर तीनों सेम नहीं है तो ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस। खत्म हो गया। तो लिखिए यहाँ पे पॉइंट नंबर 1, जो बहुत इजीली समझ आ जाए, समझो वो इजी टॉपिक है। लिखिए इट इज दैट फंक्शन, इट इज दैट फंक्शन ऑफ ए एट विच, इज दैट फंक्शन ऑफ ए एट विच लेफ्ट हैंड लिमिट जैसे कैसे लिखोगे, एट विच उसके बाद कैसे लिखोगे, LHL इक्वल टू FX इक्वल टू RHL, ये एक का वो फंक्शन है, दैट क्या लिखा हुआ, इट इज दैट फंक्शन ऑफ ए मतलब एक कोई भी एक पॉइंट, ए मतलब कोई भी एक पॉइंट जिसपे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू तीनों क्या बाबू, सेम, इज सेम, ऐसे लिख करके इज सेम हो गया। फुल स्टॉप देखिए लिखिए, इफ इट इज नॉट सेम देन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, अगर सेम नहीं है तो क्या हो जाएगा बाबू, डिसकंटिन्यूअस। चले गया, ठीक है, बस में एवरी डे 1 घंटा ऑडिट पढ़ी है, एवरी डे 1 घंटा ऑडिट पढ़ी है। जैसे देखो उसमें टोटल PDF में कितना क्वेश्चन होगा, 30-40 क्वेश्चन होगा, कितना 48, उसमें 2022 वाला भी तो कुछ क्वेश्चन होगा, उसको पहले कट कर लीजिए, उसमें जो 2022 वाला क्वेश्चन है कट कर दीजिए, उसके बाद ईयरली वाला में भी बहुत सारा रिपीटेड होगा, तो रिपीटेड वाला को कट, मतलब क्या समझ गया कि भाई रिपीटेड है, वहाँ पे लिख लीजिए RR करके लिख लीजिए भाई रिपीटेड है। उसके बाद क्या करिए, आराम से आप पढ़ना स्टार्ट करिए, अगर आप 10-10 क्वेश्चन भी रोज करोगे तो सारा एक आइडिया आ जाएगा। देखिए आप बात समझे, बहुत बच्चे मैसेज करते कि क्या उसी में से क्वेश्चन आएगा, डेफिनेटली उसी में से क्वेश्चन आएगा, लेकिन आपको नॉलेज रहना चाहिए। हाँ अब मान लीजिए लैंग्वेज चेंज कर दिया, सेंटेंस बदल दिया, तो अलग बात है, तो क्या आप उतना नहीं समझ पाइएगा, मान लीजिए आप फीचर्स पढ़े वहाँ पर एडवांटेज दे दिया लिख लोगे, इंपॉर्टेंस पढ़े लिमिटेशन दे दिया तो थोड़ा बना के लिख लोगे, बात समझे ना। लेकिन सब किया हुआ रहेगा तब अगर एग्जाम से पहले लाइव क्लास करोगे कोई भी सब्जेक्ट का, जैसे अब एग्जाम से पहले मान लीजिए टैक्स का हम हर एक चैप्टर का एक एक तो सम्स कराएंगे, हर एक चैप्टर का एक तो सम्स कराएंगे, तो हर एक चैप्टर का एक तो सम्स कराएंगे, तो उस सब वीडियो कब आपको देखने में सुविधा होगा, जब आपको चैप्टर पता है। किसी को मान लीजिए चैप्टर पता ही नहीं है, वो अचानक से अगर वीडियो देखने आ गया तो बेचारा क्या समझेगा, उसके लिए तो वही है मैं कहाँ हूँ माँ, तो सीन समझिए। तो ये आपको प्रैक्टिकल पढ़ाई करिए 5 सेमेस्टर में आप, तो इसके लिए आपको टाइम देना 8 घंटा 10 घंटा जितना हो सके टाइम दीजिए। अगर नहीं पढ़े हो तो आप पढ़ा हुआ है तो थोड़ा सा रिवीजन मारिए हल्का हल्का, बस मौज करिए अपना लाइफ में। देखिए रेडी, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो समझे कंटिन्यूअस कब होगा, जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू क्या होगा वो सेम। चलिए आइए शुरुआत करते हैं, देखते हैं क्या आता है आंसर। चलिए देखिए एक क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, गिवेन द फंक्शन, कैमरा में आ रहा देखिए तो बाबू, गिवेन द फंक्शन
एफ एक्स इक्वल टू, बहुत ईजी टॉपिक, आप समझोगे ना एक बार में समझ जाओगे, एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स माइनस थ्री इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू थ्री, एक्स इज इक्वल टू थ्री डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू थ्री. Determine the value of a for which the function is continuous at x equal to 3. Chale. Ready? fx equal to, bahu dekhiye. आपको क्या डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए, आपको खाली ए का वैल्यू निकालना है कि वो कौन सा वैल्यू होगा जिस पर, वो कौन सा वैल्यू होगा जिस पर ये फंक्शन क्या होगा बाबू, कंटिन्यूअस. क्या होगा बताइए, कंटिन्यूअस. कंटिन्यूअस होने का मतलब क्या, मतलब कंटिन्यूअस प्रूव नहीं करना है आपको, आपको बताना है कि वो कौन सा वैल्यू है जिस पे कंटिन्यूस होगा अगर x का वैल्यू कितना बढ़ाए, 3. x का वैल्यू कितना बढ़ाए बताइए, 3. तो fx का वैल्यू दिया हुआ है इसमें, कितना दिया हुआ बताइए, क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका x स्क्वायर माइनस नाइन डिवाइडेड बाई x माइनस थ्री. इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, बस खत्म. तो आप सिंपल कुछ नहीं करना, इसका लिमिट सॉल्व करना. लिमिट कैसे करते थे बताइए, इसका लिमिट कैसे करते थे, याद आ रहा, कुछ याद आ रहा, बोलो. x प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री. अच्छा देखिए, ये ना लिमिट, फंक्शन का वैल्यू तो दिया हुआ है, लिमिट बैठाना, लिमिट एक्स टेंस टू थ्री, लिमिट एक्स टेंस टू थ्री, लिमिट याद आ रहा, ऐसे करते थे एक्स टेंस टू थ्री. देखो ये वाला बार बार लिखना पड़ेगा, ये वाला तब तक लिखना पड़ेगा बताइए जब तक हम लोग वैल्यू बैठा नहीं लेते हैं, ठीक है. एक्स माइनस थ्री, जब तक एक्स का वैल्यू नहीं बैठेगा तब तक ये साइन आते जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू थ्री, लिमिट एक्स टेंस टू थ्री. तो अब मान लीजिए हमको वैल्यू बैठाना है, ठीक है, तो हमको क्या बैठाना है बताइए, x का वैल्यू बैठाना है, हमको एक ऐसा वैल्यू निकालना है जिस पे फंक्शन कंटिन्यूस हो जाता है. तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको एक पॉइंट का वैल्यू निकालना है कि वो कौन सा पॉइंट है जिस पे फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा. देखिए तो x प्लस थ्री, अब अगर x का वैल्यू बैठा दे तो कितना हो जाएगा बताइए, तो कट जाएगा ना, तो बच कितना रहा मेरे पास, x टेंस टू थ्री और x प्लस थ्री खाली बच रहा. तो कैमरा में आ रहा देखिए, तो x का वैल्यू कितना बढ़ाएंगे, थ्री प्लस थ्री कितना आ गया आंसर, सिक्स. कौन सा वैल्यू आ गया बताइए, सिक्स. कुछ है ही नहीं इसमें, देखिए कुछ था इसमें, कुछ है ही नहीं. इसीलिए टॉपिक कभी आता है कभी नहीं आता है एग्जाम के लिए, नॉट टू इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम्स, कंटिन्यूटी. बात समझे ना, कभी कभी क्या होता है कि आपका छः मार्क्स का बड़ा हार्ड सम्स दे दिया फंक्शन का, बात समझे, और एक तो ईजी सम्स दे दिया लिमिट का. अब आप अगर कोई स्टूडेंट को लिमिट आ रहा है तो उसको फंक्शन नहीं करना पड़ेगा, फंक्शन आ रहा है तो उसको लिमिट भी करना पड़ेगा, तो ये सब जगह पे लोग फंसा देता है आपको. उतारिए, हो गया क्या, नेक्स्ट देखिए. चले देखिए, अब आ जाओ मिटा दे. देखिए अब लिखिए, एक तो क्वेश्चन आप लोग करोगे सेम टाइप का क्वेश्चन दे रहे,
चलो एक क्वेश्चन लिखिए, गिवेन 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 एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर बाय एक्स माइनस टू व्हेन व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू, फाइंड द वैल्यू वैल्यू ऑफ एफ टू सो दैट एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू। सेम क्वेश्चन है तो जैसे अभी बनाए थे, सब कुछ दिया हुआ है, बस खाली बोला कि वो कौन सा पॉइंट होगा, कितना वैल्यू होगा जिससे फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, निकाल के दिखाओ। बस जैसे उसमें निकाले वैल्यू इसमें भी निकाल दीजिए, वो भी सॉल्व भी हो गया। कितना होगा बोली? एक्सीलेंट, बट बहुत देर हो चुका है, इट्स टू लेट। लिखिए, ये इजी टॉपिक है, कॉपी में करिए, कॉपी में करना होगा, एमसीक्यू एग्जाम थोड़ी दे रहे हो, प्रॉपर लिख के करना होगा जैसे लिखे थे। कितना आ रहा जी? फोर। देखिए हो गया एड, अगला क्वेश्चन लिखिए, द फंक्शन अगला क्वेश्चन लिखिए, द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर माइनस एट डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टू बाय एक्स एक्स स्क्वायर माइनस, क्या लिखे बाबू बताइए, टू एक्स स्क्वायर माइनस एट बाय एक्स माइनस टू इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू टू, देन फाइंड द वैल्यू देन फाइंड द वैल्यू। देखिए नाम के लिए ही कंटिन्यूअस कंटिन्यूटी है, अल्टीमेटली हम लोग लिमिट ही तो कर रहे, सॉल्व करके वैल्यू निकाल दे रहे हो, उठाइए इसके सॉल्व करिए तो कर पा रहे कि नहीं आप, देखिए वाह, तो सॉल्व कर लिए, कॉपी में करिए बाबू, कैसे कर लिए, कॉपी में करिए, कॉपी करिए फिर बात होगा। अब पहले से मैथ्स पढ़ के रखे हुए हैं जीनियस, ये इजी टॉपिक है, बात करिए लेकिन फिर भी इसमें एट आएगा कि कितना आएगा करके देखिए, तो पता है बुक में तो एट आंसर दिया हुआ, आप लोग कितना आ रहा देखो, कुछ नहीं है इसमें, थोड़ा दिमाग लगाओ हो जाएगा, करो
आया क्या? वो नहीं कर पा रहे करी? करने दिया सबको, फिर हो गया ना? कितने बोलिए कैसे आया बताइए। देखिए एक्स माइनस क्या हुआ? टू। लिमिट एक्स टेंड्स टू टू कितना होगा बताइए? टू एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स माइनस टू। कैसे सॉल्व करेंगे आगे बोलिए? टू कॉमन ले लीजिएगा। क्या कॉमन ले लीजिएगा बताइए? टू। हाँ कि नहीं बोलो? तो जितना जब तक वैल्यू नहीं बैठाते हैं ना तब तक ये लिखना पड़ेगा। टू कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या? एक्स स्क्वायर माइनस फोर होगा ना पहले, उसके बाद लिखिएगा एक स्टाइल में, नहीं तो फिर बाद में कन्फ्यूज जाएंगे सारे बच्चे। लिमिट एक्स टेंड्स टू टू, टू कितना बाबू? ए प्लस बी। अच्छा लिख दे रहे हैं तो फिर बोले कैसे आ गया? टू स्क्वायर राइट, एक्स माइनस टू, लिम एक्स टेंड्स टू टू। अब इसको करो ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी कट गया ना ये वाला, तो मेरे पास बचा हुआ क्या बताइए? टू एक्स प्लस टू। तो एक्स क्या वैल्यू बढ़ा दे रहे? दो दो कितना हो गया? चार, चार दो ना आठ, हो गया ना? उतारो सही था किसी का क्या? उतारी सही है। देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आई, क्वेश्चन नंबर बाबू, क्वेश्चन नंबर बोलो, चार नंबर। ये थोड़ा अलग करते हैं, तब से एक ही टाइप का क्वेश्चन है, आ जाओ। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखिए। एग्जामिन, आपको दिखाना है, एग्जामिन मतलब निकाल के दिखाना है कि कंटिन्यूस होगा कि डिसकंटिन्यूस होगा। एग्जामिन द कंटिन्यूटी, देखो कंटिन्यूटी निकालना है, इसका मतलब क्या? कंटिन्यूस भी हो सकता है और डिसकंटिन्यूस भी हो सकता है। एट एक्स इक्वल टू हाफ एफ एक्स, तीन टू फंक्शन दिया हुआ देखिए, माइनस एक्स व्हेन जीरो लेस देन एक्स लेस देन हाफ, उसके बाद हाफ व्हेन एक्स इक्वल टू हाफ, और उसके बाद हाफ माइनस एक्स व्हेन हाफ लेस देन एक्स लेस देन वन। देखिए कौन सा बाबू? थ्री बाई टू है। देखिए ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका कोई ऐसा मैथ्स का बुक नहीं जिसमें कोई कंटिन्यूटी का सम्स नहीं मिलेगा, चाहे कोई भी ऑथर का बुक देख लीजिए, हर बुक में कंटिन्यूटी का ये वाला सम्स दिया हुआ है, जो भी बुक चलता है आप लोग का लेवल में। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला बताइए? क्वेश्चन में देखिए तीन टू हम लोग को फंक्शन दे दिया, फंक्शन तीन टू दिया, देखिए ध्यान से देखिए कितना फंक्शन दिया बाबू? तीन टू। एक क्या दिया बताइए? थ्री बाई टू माइनस एक्स व्हेन जीरो लेस देन एक्स लेस देन हाफ, एक्स का वैल्यू लेस देन क्या बाबू? हाफ। एक्स का वैल्यू लेस देन क्या है? हाफ। उसका सेकंड वाला है हाफ व्हेन एक्स इक्वल टू हाफ, ये क्या बात हुआ? और हाफ माइनस एक्स व्हेन हाफ लेस देन एक्स लेस देन वन,
देखिए x का वैल्यू है कितना, हाफ। x का वैल्यू क्या बाबू, हाफ। तो क्वेश्चन में आपको क्या करना है बताइए, क्वेश्चन में ना हाफ का देखो यहाँ पर, जैसे इससे पहले जो सम्स कर रहे थे सबका एक ही फंक्शन दिया रहता था, इसमें सबका अलग अलग फंक्शन दिया है। मतलब हम लोग क्या आपके डेफिनेशन स्टार्टिंग में क्या बोले थे बताइए, द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट विच लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, बोले थे ना। बट सवाल है कि हम लोग कैसे समझेंगे कौन सा लेफ्ट हैंड लिमिट है कौन सा राइट हैंड लिमिट है, कैसे समझेंगे बताइए, किसी को पता है तो? लेफ्ट हैंड लिमिट कौन सा होता है, राइट हैंड लिमिट कौन सा होता है? यस, जितना वैल्यू दिया हुआ है ना, बहुत बढ़िया बोले, वैल्यू से जो कम है, जैसे हाफ दिया हुआ, हाफ से जो कम वैल्यू है वो वाला क्या हो जाएगा बताइए, लेफ्ट हैंड लिमिट। और हाफ से जो ज़्यादा वाला वैल्यू है वो क्या हो गया बताइए, राइट हैंड लिमिट। तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट वर्सेस राइट हैंड लिमिट। ये तो एक्स का वैल्यू दिया ही हुआ है, तीन चीज़ का वैल्यू सेम होना चाहिए ना, उसका वैल्यू तो दे ही दिया है हाफ, क्या बाबू हाफ। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कभी कभी क्या होता है कि एक ही फंक्शन में तीनों बैठा के सॉल्व करना पड़ता है, इसमें क्या तीनों का अलग अलग फंक्शन दिया हुआ। देखिए एफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ ऑलरेडी, क्या दिया हुआ है हाफ, और इधर क्या है थ्री माइनस टू माइनस एक्स वेन जीरो इज लेस देन एक्स लेस देन हाफ, जीरो किससे कम है एक्स से और एक्स किससे कम है हाफ से। तो इसका मतलब ये क्या हो गया बताइए, जीरो एक्स का जो वैल्यू है वो कम है, किससे कम है बताइए हाफ से, ये है ना जी ग्रेट लेस देन का साइन है। इसका मतलब ये कौन सा लिमिट हो गया, लेफ्ट हैंड के राइट हैंड हो गया बताइए, ये हो गया LHL, क्या हो गया बाबू LHL। यहाँ पर देखिए हाफ लेस देन एक्स, इसका मतलब एक्स का वैल्यू बड़ा है, हाफ लेस देन एक्स इसका मतलब एक्स का वैल्यू बड़ा है, तो ये क्या हो गया RHL, क्या हो गया बाबू RHL, ये तो पॉइंट ही है। अब देखिए दोनों को सॉल्व करके देखते हैं, LHL पहले बढ़ाते हैं, लिम फंक्शन का वैल्यू दिया हुआ है ना जी एक्स टेंड्स टू हाफ प्लस, प्लस मतलब देखो ये लेफ्ट हैंड लिमिट है तो लेफ्ट हैंड लिमिट को माइनस से इंडिकेट करते हैं, माइनस मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, और प्लस मतलब क्या हो गया बताइए राइट हैंड लिमिट, कौन सा लिमिट बताइए राइट हैंड लिमिट। तो फंक्शन देखो हम लोग इसमें से राइट हैंड लिमिट कौन सा लिए, ये वाला, इसमें सॉल्व करके देखते हैं कितना आंसर आता है। देखिए वन बाई टू माइनस एक्स, यही तो ठीक है ना जी। अब देखिए वन बाई टू का जगह वन बाई टू, एक्स का जगह कितना बैठाएंगे वन बाई टू, वन बाई टू का जगह तो वन बाई टू है, एक्स का जगह क्या होगा वन बाई टू, कितना होगा बताइए टू, कितना होगा बताइए, सेम तो सेम वैल्यू है ना, तो इसका वैल्यू कितना है जीरो। लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर कितना है बाबू जीरो। अब राइट हैंड सॉल्व करके देखते हैं, सेम अगर सेम आ गया तो कंटिन्यूअस, अगर सेम नहीं आया तो क्या बाबू डिसकंटिन्यूअस। अब राइट हैंड लिमिट सॉल्व करते, राइट हैंड लिमिट किसको माने थे, इसको ना, लिमिट एक्स टेंड्स टू हाफ प्लस का साइन दे दें इसे, नहीं भी तो चलेगा, मतलब प्लस मतलब पॉजिटिव। इसका इसका फंक्शन कितना दिया, ये वाला ना, अच्छा हम राइट हैंड पहले सॉल्व कर दिए, ओके राइट हैंड लिमिट, ये क्या बाबू लेफ्ट हैंड लिमिट, चलिए ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू कितना, ये वाला लिए थे, देखिए कितना आ रहा, थ्री बाई टू माइनस एक्स, बैठा के देखते हैं थ्री बाई टू माइनस एक्स, एक्स का वैल्यू कितना जी हाफ ना, दो तीन माइनस कितना आ रहा एक, कितना हो गया बताइए दो बाई दो, कितना आ गया वन। दोनों का वैल्यू सेम आया कि अलग अलग आया, तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। दस द फंक्शन डज नॉट सेटिस्फाई द सेम वैल्यू, मतलब जो भी आउटकम आएगा ना इन LHL एंड RHL सो इट इज डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस है ना डिसकंटिन्यूअस है, बोलो डिसकंटिन्यूअस, उतारो उतारी, कुछ नहीं किया, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट को प्रूव किया सर, एक्स वाला प्रूव नहीं किया, तो ऑलरेडी एक्स का वैल्यू ही दिया हुआ, देखिए हाफ दिया हुआ है, एक और बनाएंगे अभी उतारी, दोनों का वैल्यू। अच्छा सर कैसे समझते कंटिन्यूअस है, सपोज इस पे दो आया तो उस पे भी दो आता, इस पे एक आया तो उस पे भी एक आता, इस पे चार आया तो उस पे भी चार आता, तो इसको क्या बोलते हो बाबू कंटिन्यूअस, छपो ना, छापिए, एक तो और ऐसा करेंगे तो आप बेटर समझ पाओगे।
चले। हो जाए तो बोलोगे, हाँ कौन सा बाबू, हाफ माइनस, ये तो दिया हुआ तो फंक्शन इसमें बैठाना है। जैसे हम लोग इससे पहले जो संस्कृत सबका एक ही फंक्शन था, इसमें क्या तीनों का तीन तो फंक्शन दिया है। कौन सा एक्स का वैल्यू वन है, वो तो मेन पॉइंट है, वो शो करने के लिए दिया है कि वो ये देखो ये वाला फंक्शन दिया हुआ है आपको बताना। हाफ से अगर कम है तो वो लेफ्ट हैंड लिमिट होता है, और हाफ से अगर ज़्यादा हुआ तो क्या हो गया राइट हैंड लिमिट। क्योंकि आपके मन में घर में ये सवाल आएगा कि इसी को RHL क्यों लिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या लिखा, हाफ लेस देन एक्स मतलब एक्स से कम है, एक्स से क्या हुआ वो कम, हाफ देखो हाफ लेस देन एक्स मतलब एक्स बड़ा है, यहाँ पर एक्स लेस देन हाफ मतलब क्या है एक्स का वैल्यू कम है, तो x का वैल्यू से ज़्यादा हुआ तो पॉजिटिव मतलब राइट हैंड, और कम हुआ तो लेफ्ट हैंड। मिटा दे, लास्ट क्वेश्चन देखिए, छोटा सा चैप्टर खत्म हो जाएगा। चले क्या अगेन द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, इस बार फिर से एक बार करते तो आप बेटर समझ पाएंगे। चले देखिए, रेडी, चलो एग्जामिन, एग्जामिन मतलब क्या, आपको चेक करना है, टेस्ट करना है कि ये कंटिन्यूस है या नहीं है एट x इक्वल टू वन। इसका मतलब क्या हो गया बोलिए बाबू, x इक्वल टू वन से ज़्यादा हुआ तो राइट हैंड, कम हुआ तो लेफ्ट हैंड, मतलब x का वैल्यू दिया हुआ है वन, तो x से ज़्यादा वैल्यू हुआ तो राइट हैंड और कम वैल्यू हुआ तो लेफ्ट हैंड। फंक्शन देखिए ये क्या सर, कोई यूज़ नहीं इसका, इसको बोलते फाई, क्या बोलते बाबू फाई, वो बेकार में कंफ्यूज कर, जहाँ पे एफ एक्स लिखते थे ना, एफ एक्स नहीं लिख के फाइव एक्स लिख जाए, वो कंफ्यूज करने के लिए, क्या आप छोड़ दो पेपर। आइए यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन वेन, ये वाला बताइए एक्स का वैल्यू ज़्यादा है एक से, ये लेफ्ट हुआ कि राइट हैंड हुआ, एक्स का वैल्यू एक से ज़्यादा है ये राइट हैंड हुआ कि लेफ्ट हैंड हुआ, बोलो 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 राइट हैंड। ये आपको समझने के लिए हम लिख रहे हैं, ये एग्जाम क्वेश्चन में नहीं लिखा होता, ये आपको समझने के लिए लिख रहे हैं। एक्स इक्वल टू वन, ये तो पॉइंट ही है, पॉइंट कितना है एक्स इक्वल टू वन, देखिए सॉरी टू वेन एक्स इक्वल टू वन, मतलब एक्स का वैल्यू वन बैठाने से टू आ रहा, टू दे दिया है, तीनों वैल्यू सेम आना चाहिए, मतलब तीनों में मेरा टू आना चाहिए, क्या आना चाहिए बाबू टू, अगर तीनों में मेरा टू आएगा, रुक जाओ अभी हड़बड़ाओ मैं, अरे तो है टू एक्स वेन एक्स लेस देन वन। अच्छा देखिए ये क्वेश्चन है आपका, आपको यहाँ पे एग्जामिन करना है कि कंटिन्यूस है कि डिसकंटिन्यूस है, ठंडा दिमाग से देखो हमको क्या प्रूफ करना है, x का वैल्यू टू है, x का वैल्यू वन बैठाने से बोला टू आएगा, लेफ्ट हैंड भी क्या आना चाहिए टू, राइट हैंड लिमिट भी क्या आना चाहिए टू, तभी ना कंटिन्यूस होगा। अगर ऐसा टू आता है तीनों वैल्यू पे, अलग अलग सॉल्व करके वैल्यू बैठा के हम लोग देखते हैं, अगर टू आता है तो कंटिन्यूस है, अगर टू नहीं आता है तो कंटिन्यूस नहीं है, क्योंकि तो दे ही दिया है, देखिए एक्स का वैल्यू वन बैठाने से टू आना चाहिए बोल दिया है, तो उसको क्यों लिखेंगे। तो तीनों में ये दोनों को प्रूफ करके देखते हैं कि अगर टू आया तो सही है। अच्छा कौन सा लेफ्ट हैंड है कौन सा राइट हैंड है बताइए, एक्स ग्रेटर देन वन मैंने की हो बे, एक्स लेस देन वन की हो बे LHL। चलिए RHL का फंक्शन बताइए क्या है, क्या है फाइव एक्स, देखिए लिमिट का वैल्यू बैठाना है एक्स टेंड्स टू वन प्लस, वन प्लस मतलब क्या राइट हैंड लिमिट, फाइव एक्स हम लोग एफ एक्स लिखते थे ना, यहाँ पे एफ एक्स को कैसे लिखा है फाइव एक्स, तो फाइव एक्स से आप घबराना मत कि इसका फंक्शन कितना दिया हुआ, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वन। अच्छा अगर हम एक्स का जब इसको सॉल्व करने में कुछ है नहीं, एक्स का जब क्या बढ़ा देंगे वन, वन स्क्वायर वन, वन प्लस वन कितना है टू, देखिए एक्स का वैल्यू भी टू था, बोले एक्स का वैल्यू वन बढ़ाने से आंसर टू आएगा, राइट हैंड लिमिट सॉल्व की टू है, अब देखते हैं अगर लेफ्ट हैंड लिमिट भी टू आ गया तो ये कंटिन्यूस है, अदरवाइज कंटिन्यूस नहीं। फिर से वही लिम
5x, x टेंड्स टू 1 माइनस इक्वल टू किसका, इसका फंक्शन कितना है 2x, x का वैल्यू कितना 1 2 प्रूव ना हेयर fx एक रुको हर बड़ा देखो राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू 2 तीनों का वैल्यू कितना है 2 10 इट इज क्या कंटिन्यूअस उताली बन चैप्टर खत्म हो गया।